वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, असी तुहानू लाइव तस्वीरां दिखा रहे हैं जीटी रोड तो फगवाड़ा तो। जीटी रोड से असी गेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने जिथे नैशनल फ्लैग लगा है उत्थे खड़ा है, और इत्थे तुसी देख रहे हो तैयारियां चल रही ने, सोशल एक्टिविस्ट पहुंच चुके ने। हुण तुसी जानना चाहोगे तैयारियां किस चीज दियां चल रही, तो असी तुहाडे नजर से लियाना चाहवांगे। जिहड़े बैनर सामने नजर आ रहे हैं वो अपने आप च सारी गल बयान कर रहे ने। इहदे च तुसी देख रहे हो लिखा है कैंडल मार्च वालों समूह फगवाड़ा निवासी। कैंडल मार्च कढ़िया जा रहा है, किस उपलक्ष कढ़िया जा रहा है तुसी सारे जानते हो। अज शहीदी दिवस है, 23 मार्च का दिहाड़ा है, शहीदी दिवस है, शहीद भगत सिंह जी का, शहीद राजगुरु जी का, शहीद सुखदेव जी का। उन्हां दी शहीदी नूं नमन करदे होए, एक सलाम करदे होए, एक सल्यूट करदे होए, उन्हां दी शहीदी नूं, उन्हां दे इनकलाब नूं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लांदे होए, और असी दसना चाहांगे दर्शकां नूं साडे किसान भी बहुत ज्यादा शहीद हो चुके ने, 310 दे आसपास शहीद हो चुके ने दिल्ली दे बॉर्डर ते। ये उन्हां दी शहीदी नूं भी एक नमन है। इस शहीदी दिहाड़ा जिन्हों आप मना रहे हैं भगत सिंह जी की शहीदी लई, राजगुरु जी की शहीदी लई, सुखदेव जी की शहीदी लई, इस शहीदी दिहाड़ा नूं फगवाड़े दे जिहड़े निवासी हन वो किसानां ने जिहड़ी शहीदी दित्ती है और उस उपलक्ष्य भी मना रहे ने कैंडल मार्च कढ के। कैंडल मार्च दस दिए इथों ही स्टार्ट होएगा नैशनल फ्लैग दे कोलों, और ये कैंडल मार्च इथों स्टार्ट होके पहुंचेगा चौपाटी हरगोबिंद नगर फगवाड़ा विखे, और चौपाटी हरगोबिंद नगर फगवाड़ा विखे जाके उसे ह्यूमन चेन बनेगी जी, लगातार पिछले 2 महीने तो बन रही है, अब फिर बनेगी। सिर्फ फर्क इन्ना है कि ह्यूमन चेन बनाने तो पहला सारे सोशल एक्टिविस्ट इथों कैंडल मार्च करेंगे नैशनल फ्लैग को लैके चौपाटी हरगोबिंद नगर फगवाड़ा तक। हाली ये कैंडल मार्च स्टार्ट नहीं होया, तैयारियां चल रही हैं। ये साड़ियां लाइव तस्वीरां फगवाड़ा वासियां जिन्हां तक भी ये पहुंच चुकियां ने, असीं उन्हां नूं अपील करांगे, ये अपील करांगे कि वध तों वध शहर दे निवासी इत्थे इस कैंडल मार्च दे विच शामिल होण और इहनूं ज्वाइन करन और शहीदी दिहाड़ा मनान कैंडल मार्च दे रूप च, और कैंडल मार्च करदे होए चौपाटी हरगोबिंद नगर फगवाड़ा जाके ह्यूमन चेन मनान। असीं लाइव तस्वीरां दिखा रहे हैं, इस टाइम बैनर अज खड़े हुए ने, एक्टिविस्ट खड़े हुए ने, और सारे नूं असीं अपील करांगे कि कैंडल मार्च स्टार्ट करने तो पहला एक सैमी सर्कल बना लो, बहुत वड्डा इकट्ठ कर लो अपना सारा शहर वासी देख सकन तुहाडियां तस्वीरां, एक सैमी सर्कल का रूप ले लो, झंडे हर एक हाथ फड़ा दो मैडम, हर एक हाथ एक झंडा फड़ा दो, हर एक हाथ एक झंडा होना चाहिए है। और जेडे साडे छोटे नन्ने मुन्ने सिपाही ने उन्होंने हाथ भी अस देख सकते हैं, कैंडल्स फड़िया हुई ने, बैनर एक बड़ा भी फड़िया जा चुका है, देख सकते हो बैनर अपने आप अपनी तस्वीर बयान कर रहे हैं, शहीद भगत सिंह, राजदेव दोनों के शहीदां की याद के विच कैंडल मार्च वालों फगवाड़ा निवासी असी फिर बेनती करांगे शहर वासियों तक पहुंच रही हैं तो जल्द तो जल्द इस कैंडल मार्च के शामिल होने के पहुंच के असी दस दिए कैंडल मार्च इतों चल के चौपाटी हरगोबिंद नगर फगवाड़ा के जाके एक ह्यूमन चेन का रूप लेगी। लाइव तस्वीर जीटी रोड देख रहे हो, जलंधर नूं रस्ता जा रहा है, बिल्कुल सामने आ क्रिस्टल लुक पार्लर है जी, इधर पंजाब नेशनल बैंक है जी, इधर तुसी देखो आ लुधियाने नूं रोड जा रही है, बिल्कुल इत्थे आ गेस्ट हाउस है, नेशनल फ्लैग है जिथे, उस जगह ते आ सारे जने खड़े ने, स्टील कर दियो इन्हां नूं नीचे। बाकी
हाँ जी हाँ जी नहीं नहीं ठीक है ठीक है जी ठीक बुग्गा असी देख रहे हैं कांग्रेस के शहरी प्रधान श्री संजीव बुग्गा जी भी पहुँच चुके ने इस कैंडल मार्च शामिल होने असी लोगों को कहांगे कि प्रेरणा लैणगे संजीव बुग्गा जी को और कैंडल मार्च वध तो वध जने शामिल होंगे। तुसी देख सकते हो कांग्रेस के शहरी प्रधान भी इत्थे पहुँच चुके ने एक आम नागरिक की तरह और आम नागरिक की तरह शामिल हो चुके ने। असी सारे वाहेगुरु जी आ देख लियो नन्ने मुन्या ने शुरुआत कर देती है नन्हे मुन्या ने शुरुआत कर देती है छोटे छोटे सिपाही ए सवलीन कौर जी भी और छोटे छोटे सरदार जी भी दोनों ने शुरुआत कर देती है कैंडल मार्च की। अकाल जिंदाबाद 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 साडे वालों नमस्कार कबूल करो संजीव जी सत श्री अकाल वीर जी और पहले तो तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है इस कैंडल मार्च के विच और तुहाडा असी एक बाइट लेना चाहवांगे जे तुसी शहर वाली असियां नूं अपील कर सको और इस कैंडल मार्च का महत्व समझा सको। पहला तो अज शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु जी और सुखदेव जी का शहीदी दिवस है। मैं शहर वासियां नूं जां जिहड़े भी साडे भाईबंद आ उहनां नूं यही कहना चाहूँगा कि जो भगत सिंह हुणा ने देश की आज़ादी लिए अपनी जाना कुरबान कीतियां जो उन्होंने प्रेरणा दी अपनी जान गुआ के भी उन्होंने किदां अज असीं वो आज़ादी माण रहे हैं साडे बच्चे इन्हां तों दूर हो रहे हैं। मैं यही एक बेनती करदा कि अपने जिहड़े बच्चों नूं इस जिहड़ा अपना पुराना इतिहास आ इहदे नाल जोड़ के रखण और जो साडे देश दे विच साडे जिहड़े सूरबीर उन्होंने शहीदियां दित्तियां देश नूं आजाद कराने दे विच उहदा जिहड़ा आपां अज आज़ादी माणदे हां उहदे नाल जोड़ के अपने बच्चों नूं जिहड़ा मतलब जिहड़े साडे सूरबीर आ उन्हां बारे जरूर उन्हां नूं दसण तां जो उन्हां नूं भी पता लग सके कि कितनियां मुश्किलां दे नाल इह आज़ादी मिली आ। ते मैं अज दे दिन ते क्योंकि शहीद आजम सरदार भगत सिंह उन्हां दा शहीदी दिवस आ अज किसान जिहड़ी कैंडल मार्च कढ रहे उन्हां नूं समर्पित आ। मैं सारे देशवासियों नूं यही अपील करदा कि जिहड़े किसान उत्थे साडे वीर बैठे आ जिहड़े वो बिल्लां करके जिहड़े तीन बिल आ काले कानून उन्हां नूं जल्दी तों जल्दी जिहड़ी इह सरकार उन्हों जड़ा रद्द करन तां जो साडे किसान वीर जिहड़े इन्नी धुंदां दे विच इन्नी ठंड च उत्थे बैठे रहे आ उह अपने घरां नूं वापस परत सकण। बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद। थैंक यू जी जय हिंद जी और हुण आपां तुहानूं लाइव तस्वीरां दिखावांगे जी टी रोड तों ही आ कैंडल मार्च असीं देख सकते हो शुरुआत हो चुकी है और छोटे नन्हे मुन्ने सिपाही सवलीन कौर जी और उन्होंने ब्रदर ने शुरुआत की है। देखो नन्हे मुन्ने सिपाही ने इस कैंडल मार्च दे इन्होंने शुरुआत की है बेटी सलवीन आ देख लो लाइव तस्वीर थोड़े सामने श्री अकाल लाइव तस्वीर नेशनल हाईवे वन तो फगवाड़ा तो हाँ जी मनुवांगा जी कैंडल मार्च दे महत्ता बारे जरूर दसो दर्शकां नूं। देखो जी अज दा जिहड़ा कैंडल मार्च है यह अज फगवाड़ा शहर दे विच
फगवाड़ा शहर के चल रहे जो शहीदों को समर्पित है जी। शहीद उधम सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह की शहीदी के दिहाड़े के उपर कढ़िया जा रहा जी ये अज्ज। कैंडल मार्च स्टार्ट हो चुका जी। जिहड़े भी देख लाइव देख रहे हैं वो वध तो वध पहुंचो रेस्ट हाउस बाहर। असीं हरगोबिंद नगर चपाटी के कोल जा रहे हैं, तुसीं सारे उत्थे पहुंचो जी। तुसीं देख सकते हो नरेश जी भी साडे नाल जुड़ चुके ने। नरेश जी तुहाडा स्वागत है। होंगे सोच के ओके बैनर तू सारे पास देख सकते हो जी। लाइव तस्वीर थोड़े सामने जा रही ने। तो देख सकते हो नरेश भारद्वाज जी, संजय बुग्गा जी और सारे सोशल एक्टिविस्ट सब इतने पहुंच चुके ने। लाइव तस्वीर तुसी देख रहे हो फगवाड़ा प्राइम टाइम टीवी ते। हाँ देखो शांति का प्रतीक शांति मार्च सल्यूट टू मटायर्स शहीदा नू सलाम करते हुए देंगे ठोक के ठोक के जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज दे कैंडल मार्च की महत्ता दर्शकों को समझा दो एक बार। आज दे कैंडल मार्च की जड़ी महत्ता आ खास करके उन्हें शहीदों जिन्होंने देश की आजादी की खातर कुर्बानियां दित्तियां ते सानू आज़ादी का सुख मानने नू मिलिया है। आज असी जिहड़ा यह कैंडल मार्च आ भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहीदी दिन ते कढ़ रहे हाँ ते उन्हां किसान वीरां लई जिहड़े टिकरी बॉर्डर ते अपना हक्कां दी खातर काले कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं उन्हां नू जिहड़ी हैगी आ मदद देने लई असी यह जिहड़ा कैंडल मार्च आ कढ़ रहे हाँ ताकि साडे किसान वीर ये महसूस करन कि असी सारे उन्होंने नाल हाँ उन्होंने शहीदों जिन्हों के जज्बे जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियां दित्तिया ने उन्होंने अज शहादत को सलाम कर दे। अज का जो कड़ा कैंडल मार्च है ये किसान के जेडे खिलाफ तीन काले कानून पास किए इसने मोदी भाजपा सरकार ने और साढ़े शहीद आजम भगत सिंह जी राजगुरु सुखदेव उन्होंने श्रद्धांजलि देने और उन्होंने किसान वीर के लिए आ जोड़े कि साढ़े इस जोड़ा एजुटेशन के शहीद होए आ उन्होंने सल्यूट कर ले जोड़ा अज का कैंडल मार्च कढ़िया जा रहा है। थैंक यू जी। और खुराना साहब कैंडल मार्च अज शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी के शहीदी दिवस से अज फगवाड़े समूह नगर निवासियों वालों जो साढ़े वीर किसान संघर्ष कर रहे अज उन्होंने हक एक कैंडल मार्च कढ़े जा रहा क्योंकि अगर वो साढ़े बॉर्डर से बैठ के अज हकों लड़ रहे जे ये कानून इन्होंने पास किए कल किसानों नहीं पूरे व्यापारी वर्ग को पूरे लोगों को नुकसान होना तो मैं समझदा कि आपू अपने किसान वीर का साथ देना चाहिए ता जो आप संघर्ष जीत सके। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। श्रद्धांजलि भी दे रहे हाँ जी बिलकुल मैं यही सारे स्नेह देना चाहना कि आओ आप संघर्ष साथ दे
अगर आप देखिए तो हरगोबिंद नगर च रोज़ शाम को 7 बजे तो लैके 8:30 बजे तक किसानों के हक जिते उन्होंने हक लामबंदी की जाती है। तो आओ आप भी इस संघर्ष से साथ देिए, अपना टाइम कढ़िए, जो आप इस संघर्ष को जीत सकी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच करना सर। हाँ जी, अगे हो जाओ जी, फ्रंट के हो जाओ। लाइव तस्वीरां तुहाडे सामने हरगोबिंद नगर तो। हरगोबिंद नगर चपाटी पहुंचने वाला है, कैंडल मार्च तुहाडे सामने। कैंडल मार्च इस टाइम पहुंचने वाला है चपाटी, तुसी देख सकते हो लाइव तस्वीरां। आ देख सकते हो, ये ओही सोशल एक्टिविस्ट ने डेली जिहड़े पिछले 2 महीने तो ह्यूमन चेन बनाते सी, अज इन्होंने कैंडल मार्च कढ़िया। शांति दे प्रतीक ने, ये शहीदी नूं नमन करना जानते ने। किसानां दे हक दे विच खड़े ने सारे जने। ये तस्वीरां भी बयान कर दिया ने कि किसानी दे हक दे विच हिंदुस्तानी खड़ा है। और किसानी दे अलावा असीं नाल अज शहीद भगत सिंह राजगुरू सुखदेव उहदी शहादत नूं प्रणाम करन लई भी। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये शहीदी दिहाड़ा 23 मार्च का, शहीद राजगुरु, शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव जी नूं नमन करन नूं मटायड से मनान नूं कढ़िया गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपां जानदे आं जिन्ने भी साडे नौजवान शहीद होए आ उन्होंने सैकंड जंगस्ट शहीद सीगा भगत सिंह। एक दूसरा वो आप देश तो कुरबान होना चाहुंदा, कोई नहीं चाहुंदा मरना, पर वो चाहुंदा मैं जरूरी मरना, ताजो जिहड़ी क्रांति जिहड़ी अग्नि उहदे अंदर है इहदा प्रकाश हर नौजवान दे होवे ते ओ भारत माता नूं आजाद कराउण दे लई उपराला करे, नंबर एक। ते ओ अज असीं देख रहे हां नौजवानां च भगत सिंह नूं गया साडे तों किन्ने साल हो गए, 90 साल चले आ उहनां दे गया तों बाद अज नौजवानां च जिहड़ी चीज़ जिहड़ी प्रचंड करना चाहुंदे सीगे अग्नि नौजवानां च देश भगती दी तो आजादी दी, वो अज भी साडे नौजवानां च है, ये सारे नूं वड्डी ट्रिब्यूट। जनून भर सको ओही गल कर रहा जिहड़ी भावना उन्होंने अंदर सी ना जी, वो भावना जिहड़ी अज नौजवानों के दिलों च है। उत्थे जाना जी अंबेडकर ते मोटा के जाना पा, अंबेडकर नहीं यार डॉक्टर अंबेडकर बहुत क्यों नहीं इतने आना यार, वो यार तू लीडर ना बनाया कर यार प्लीज, कल फैसला किया तेन दसी जाने को छोड़ना है, डॉक्टर अंबेडकर ने उत्थे चार क्या आने यार, कल भी किया अज भी उधर जाके इतने आ जाओ लो। जिंदाबाद, हम एक हैं, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਆ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਡਲਸ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤਮੰਨਾ, ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤਮੰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਕਿਤਨਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। देख सकते हो नारी शक्ति भी नाल मौजूद है और सारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी। सत श्री अकाल, बहुत प्यारे बच्चे हो तुसी, तुसी रोज आना है, ठीक है ठीक है, एक बार एक बार हो जाए किसान एक तो एक बार फिर कह दियो किसान जोर एकता जिंदाबाद। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਭਾਅ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਹੋ ਪਵਾਉਣਾ ਚੈਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਗ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਟੈਡਮਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਕਰਤਾ ਭਾਜਾ ਜੋ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੇ ਭਗਤ ਸਰਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਦੁਆਰਾ ਦੁਆਰਾ
असी अज कैंडल मार्च सारे जने शामिल होए हैं। कैंडल मार्च की शुरुआत साड़ी जी टी रोड तो हुई सी नैशनल फ्लैग तो। नैशनल फ्लैग तो होंदी हुई चौपाटी हरगोबिंद नगर फकौड़ा के ह्यूमन चेन जिदा बनती है डेली अज बन चुकी है फिर तो। बट ह्यूमन चेन बनाने तो पहला असी अज श्री बुद्धा जी का भी आशीर्वाद लिया कैंडल्स उत्थे आके सजाइया और तुसी भी अज सारे जने नाल साडे शामिल होए हो और शहीदी नूं भी नमन किया है राजगुरु जी की सुखदेव जी की और भगत सिंह जी की और किसानों की शहीदी नूं भी तुसी नमन किया है। सारे शहर वासियों नूं भी तुसी संदेश दिओ भी उस शहीदी नूं तुहाडे नाल सलाम करन और जिहड़ी ह्यूमन चेन किसानों के हक च बनती है और उन्होंने भी आके सपोर्ट देन क्योंकि तुहाडे कहे हुए शब्द की बहुत वैल्यू है क्योंकि तुहाडे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं शहर के। धन्यवाद जी अरोड़ा जी। अज शहीद भगत सर आजम सिंह जी की शहीदी दिवस है उन्होंने राजगुरु सुखदेव जी का उन्होंने नमन करते हुए पहलों साडे ब्लॉक प्रधान श्री संजीव बुग्गा जी ने जो है साढ़े इतने अज एक बहुत वड्डी मीटिंग करके उत्थे उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिस दे विच विशेष तौर पर हलका विधायक सरदार बलविंदर सिंह जी धालीवाल और कांग्रेस पार्टी के सारे ही नुमाइंदे दर्जा बदर्जा सारे सारे साथी नौजवान युवा मोर्चा होर सारे जिन्हें ही साढ़े उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उस तो बाद अज जी है पिछले 12 फरवरी तो लगातार ह्यूमन चेन हरगोबिंद नगर बन रही है उहदे विच शमूलियत करन लई साढ़े सारे साथी इत्थे आए आ। असी जिथे उन्हां शहीदां नूं नमन करदे आ उत्थे नाल नाल साडे किसानी संघर्ष दे विच दिल्ली बॉर्डरां दे उप्पर जिहड़े साढ़े 300 दे करीब किसान शहीद होए आ असी उन्हां नूं भी नमन करदे आ और परम पिता परमात्मा अगे अरदास करदे आ कि पिछे उन्हां दे परिवारां नूं बल बुद्धी दवे और सारे असी साथी जिहड़े आ उन्हां परिवारां दे नाल आ। असी इह जिहड़ा साडी श्रृंखला चल रही है मानव इहदा मेन मकसद यही है कि साडा दिल्ली दे बॉर्डर उपर जिहड़े भी किसान वीर बैठे आ जिन्ने भी जथेबंदियां बैठियां उन्हां सारयां दे हौसले बुलंद होण। साडा इक्को ही मैसेज है कि असीं सारे उन्हां दे नाल आ जद तक ये काले कानून वापस नहीं होंदे असीं चट्टान दी तरहां दे नाल खड़े रहांगे। और इत्थे अंत दे विच मैं अपने सारे शहर वासियां नूं इस गल दी अपील भी करदा कि जिथे जिथे कोई भी चाहे वह कैंडल मार्च होवे चाहे कोई वह जैसे जिदा कि हुण 26 तरीक नूं भारत बंद की कॉल है असी उस दे विच भी इन्हां किसान वीरां दे हौसले बुलंद करन लई फगवाड़ा शहर नूं समुच्चे नूं बड़े शांतमई ढंग दे नाल बिल्कुल जिहड़ा आ बंद रखणा और सवेरे 6 तो लैके शामी 6 बजे तक किसान जिहड़े जथेबंदियां उन्हां नूं अपील है कि फगवाड़ा जिहड़ा आ उस दिन भारत बंद रहेगा सवेरे 6 तो लैके शामी 6 बजे तक। उहदे विच सानूं उम्मीद आ फगवाड़ा वासी भी जिहड़ा पूरा सहयोग देणगे और असी जिथे साडी समुची कांग्रेस पार्टी और सारे शहर वासी असी इन्हां दे नाल बिल्कुल चट्टान दी तरह खड़े हमेशा खड़े रहांगे। तुसीं देख सकदे हो हौसला देंदे हो क्योंकि हौसले दे उत्ते ही अंदोलन जीते जाते हैं। कोई भी अंदोलन की जित हौसले दे उत्ते हुंदी है और इन्होंने एक बहुत ही वड्डी गल कही असी हौसला देने और नाल खड़े हैं चट्टान की तरह। असी हुण संजीव बुग्गा जी नूं भी कहांगे भी वह भी एक बार हौसला दे देन क्योंकि हौसला बहुत वड्डी चीज़ है हौसले नाल ही अंदोलन जीते जाते। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अज शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी राजगुरु जी और सुखदेव जी का शहीदी दिवस है वो संबंध में साढ़े जोड़े शहर के एक दो परिवार से जिन्होंने ह्यूमन चेन बनाई है और नाल जुड़ते जुड़ते अज सैकड़े की तादाद उन्होंने नाल जोड़े साढ़े शहर के वासी जुड़े है और बहुत शलाघा जो कदम अज भगत सिंह होना ये जड़ा किसान अंदोलन दे विच उन्होंने समर्पित जिहड़ा असी ये अंदोलन कर रहे हैं जिहड़ा कैंडल मार्च भी कढ़िया गया और मैं समझदा कि छोटे छोटे बच्चे जिहड़े अज इस जिहड़ी ह्यूमन चेन बनी है उहदे विच आउंदे आ और क्योंकि उन्होंने कोल जिद्दां रघुबोतरा साहब ने भी उन्होंने को सही तरह बोल भी नहीं हो रहा और फिर भी वह जिहड़ा किसानां दे नाल अंदर दी आत्मा दी आवाज़ आ रही है बिल्कुल जी किसानां दे नाल मोढे नाल मोढा ला के वह खड़े आ और मैं सारयां नूं यही अपील करदा कि जिदा ये बच्चे आ क्योंकि बच्चे रब रूपी होंगे आ जिदा ये किसानों के नाल खड़े आ क्योंकि जे अज किसानी रुल रही है तो असं सारे रुल रहे हैं अज किसानी करके असी जन्ना आ। सो मैं सारे बेनती करता कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जोड़ा शहीदी दिवस है वनू आप जाया ना जान दईए जो उन्हों जी सोच करके उन्होंने आजादी लैके दी से अज साडा किसान रुल रहा वो मोढ़े ना मोढ़ा ला के आपां उन्हां दा हौसला वधाईए। एक बार तुहानू असीं अपील करांगे कि जिहड़ी ह्यूमन चेन डेली बनती है इहनूं बल देण लई तुसीं भी एक बार जनता नूं अपील कर दिओ कि कोई भी आके इस ह्यूमन चेन शामिल हो सकदा डेली चौपाटी बनती है 7 तों 8 जरूरी नहीं तुसीं 1.5 घंटे लई आना आ
पांच मिनट लिए भी आके खड़े हो जाओ तो इस अंदोलन को बल मिलेगा, जो कोई दो मिनट लिए भी अपनी कार साइड से पार करके दो मिनट लिए भी खड़ा हो जाता तो इस अंदोलन को बल देगा। यही देखो आप सारे वीरां नूं यही बेनती है कि पार्टी तो उपर उठ के सानू सारिआं नूं भावा थोड़ा टाइम जिन्ना कि भी टाइम असीं अपने लिए अपने तो कढ सकदे आ इन्हां नाल आ के इन्हां दा जिहड़ा हौसला वधाईए तां जो जिहड़े साडे किसान वीर उत्थे पिछले छे महीनां च रुल रहे आ वो किसानी जिहड़े बिल ओह वापस होण ते अपने घरां नूं खुशी खुशी परत सकण तां जो साडे देश दी पंजाब दी सेवा कर सकण। बहुत 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 धन्यवाद जी, थैंक यू जी, जय हिंद जी, और बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा सब दा। तुसीं देख सकदे हो अज दी ह्यूमन चेन बन चुकी है, ये उही ने जिहड़े कैंडल मार्च हुणे हुणे कट के आए ने, आ छोटी छोटी गुड़िया कोल तां असीं बार बार आना है। ने जी साढ़े नन्ने मुन्ने, हाँ जी आज किस लिए आए ने सवलीन कौर जी, इतने सवलीन है ना नाम तुहाडा, सवलीन जी आज क्यों आए ने इतने, आज क्यों आया दसो जी, क्यों आया अज मेरा पुत्र, की करन आया आप अज, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद बुलाना है, क्या बात है जी, आज कैंडल हाथ बड़ी सी कैंडल जगाई सी आप, हाँ जी ठीक है, अच्छा लगा, हाँ जी आपने भी आज कैंडल जलाई थी, अच्छा लगा आपको, हाँ जी आज आपने ऐसे बताया हमें आपने, इधर जवाब दो, जवाब दो, इधर जवाब दो, छोटी हाँ जी मैम बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा, बहुत ही प्यारे बच्चे ने थोड़े, एक शब्द जरूर लाइव हो तुम यहाँ पे किसानों के हक दे, बस मैं यही कहनी है कि आम पब्लिक नु भी किसानों के फेवर च सारे नु बोलना चाहिए है, सारे किसानों के फेवर च आके खड़े हों ता जो भी किसानों नु पूरा इंसाफ मिल सके। हाँ जी बहुत जरूर संदेश दियो शहरवासियों, संदेश यही सीगा जी कि आपां नु अपना फर्ज हैगा जी अपने शहीदां नु याद करन दा जो कि असीं कर रहे हां, ते ओह शहीदी जिहड़े कि साडे उस वेले दे टाइम दी लोड़ सीगी ओह असीं इस वेले सानू पता वा कि भी साडे दिल दे विच दर्द हैगा भी किहो जे टाइम दे विच ओह साडे शहीद गुजरे आ, ओह दर्द आ जी सारे इत्थे इकट्ठे होए आ, बस ओह दर्द आ जी, ओह दर्द मना रहे आ जी, उहनां नूं याद कर रहे आ, ओह परमात्मा उहनां नूं अपने चरणां लावे ते हमेशा ही अमर रहे ते इदां दे योधे होर पैदा करे जो कि अगे भी साडे जिहड़े जिन्ने भी यूथ हैगा वा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸੋ ਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਸਮੱਤਿਆ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ, ਡੇਲੀ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨ ਬਣਦੀ ਹੈ 7 to 8.5। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਜਾਊਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ,
अज असी शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव उन्हां दी याद विच कैंडल मार्च कढ़िया, पर मकसद साडा इक्को ही है, ना तो असी उन्हां दी शहीदियां भुलणियां ना असी किसी नूं भुलण देणियां आ, पर मकसद उन्हां दा वेख सी अपने हक लई लड़ना उन्होंने सिखाया, तो अज असी भी अपने हक लई खड़े आ, किसान अपने हक लई खड़े आ, मकसद तो नहीं असी भटकना किसी ने भी। सौ गलां दी इक गल कहती है, बहुत ही डूंगी सच्चाई। नवे बच्चे ज्वाइन किया, देखते हैं सामने पास भी ह्यूमन चेन बन चुकी है। बर्गर कितों खाओगे? मोदी सत्ता चोर है, मोदी साला चोर है। एक मिनट भाई पूछ लो, मां कितों बुलाओ चंगी तरह। हां जी, हां जी भाई, बोल भाई, तुसी बोलना, अज असी नहीं बोलना। नहीं नहीं, अज असी फगवाड़े दे विच जिद्दां कि सवेर दा असी ब्लड कैंप रख्या सी, सवेरे 9 बजे तो लैके शाम के 5 बजे तक, जिदा कि असी 170 यूनिट ब्लड किया, हमने जिदा कि फ्री होए सी, आप जिदा अपने भरावान सारे सद्दा लाया जी, उस हिसाब न सारे असी उत्थे कट्ठे होए, ये हुण कैंडल मार्च किया अभी फगवाड़े दे विच, जिदा भी आ किसानों के नाल जिहड़े रोज़ इत्थे खड़दे जी, किसानों के नाल आ, किसानों नाल खड़ांगे, किसानों नाल मरांगे, कोई पोलिटिकल लाइन दा इस विच कोई रोल नहीं, असीं अपने हक्कां लई आए सी ते हक्कां लई रोज़ खड़दे हाँ, रोज खड़ो, अभी फगवाड़े वालों यही बेनती करते हैं, साढ़े नाल रोज आके सरकार नूं भी कहो एक बार आम जनता की आवाज सुने, सरकार ना सुन दे, कन्न बोले किए हुए आ, दिल्ली साढ़े भरा बैठे हुए आ, साढ़े बजुर्ग बैठे हुए, उन्होंने असं कहने वो रोज खड़ते, जे साड़ी भी लोड़ पैंदी असीं जाने बिच, पर असीं इत्थे फगवाड़े च भी अपना प्रोटेस्ट जारी रखांगे। भाई जी अपना योगदान जारी रखो, तुहाडे योगदान नूं भी नमन है जी, और बहुत बहुत थैंक यू तुहाडा। मैं जिदा साढ़े जेडे इतने खड़ते सारे का उपराला सी कि असी अज अपने जेडे कौमी शहीद आ, शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, जेडे साढ़े हुण दे कौमी शहीद आ, जेडे किसान साढ़े उत्थे जाके 300 तो वध शहीदियां पा गए इस काले कानूनों के करके, असी उन्हां दी श्रद्धांजलि लई यह कैंडल मार्च किया, सन असी शुक्र गुजार हाँ सारे शहर वासियों के जिन्होंने सहयोग दिता, और उन्होंने तो आस करते हैं रोज़ साढ़े नाल इदा ही सहयोग देंगे, ता ही उन्होंने पता लगेगा कि उन्होंने सानू कितनी सपोर्ट दे रहे हैं, असी उन्होंने धन्यवाद करते हैं। फगवाड़े के एम पी भी ये कहने वो भी अपना इस्तीफा दे के साढ़े नाल इतने आके खड़न, जो कि पंजाब दे विच जो धक्का हो रहा, जो कि पंजाब दे विच किसानां नूं धक्का हो रहा, जिन्हें भी पंजाब के बीजेपी के हैगे लीडर, असीं सारयां नूं कहने किसानां दे नाल डेली खड़ो, किसी भी लीडर का किसी का भी इस कोई नहीं, अभी किसानों रोज खड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, संदेश दे रहे हैं फगवाड़ा के शहर वासी, उन्होंने दिलों भावनावान निकल रही ने, पहुंचन गियाँ जरूर सरकार तक, ताकि सरकार उत्ते अपना रुख रसागी बागी जमे, फिर कहेगी बागी जमे, आज दिन शहीदां दे नाम, इनकलाब जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अज का दिहाड़ा जिहड़ा सरदार भगत सिंह होणा नूं अते उहनां दे साथी जिहड़े राजगुरु सुखदेव होणा नूं 23 मार्च 1923 नूं फांसी दित्ती गई सीगी, सो सारे जिहड़े वीर अज इकट्ठे होए आ फगवाड़े विच कैंडल मार्च करन लई, ते जिहड़े साडे वीर किसान अंदोलन दौरान शहीद होए आ, सारे उन्हां नूं श्रद्धांजलि देण लई कैंडल मार्च करके इत्थे पहुंचे आ, ते रूटीन वाइज जो आपां साइडां ते खड़ के जो सरकार नूं बार बार बेनती करदे आ, जिहड़े कि काले कानून लैके आईए रद्द करे, क्योंकि भगत सिंह हुणां ने एक गोरे अंग्रेज़ां नूं भजाया सीगा, ते उहदे अज जिहड़े आ काले जिहड़े अंग्रेज़ साडे देश विच आ गए आ, जिहड़े काले कानून मना रहे आ, असीं तुहाडे माध्यम राही ये मोदी सरकार नूं कहना चाहुंदे आ, जिहड़े किसान साडे
लगभग 7-8 महीनों तो बॉर्डर से बैठे आ, उन्हों का मसला हल किया जाए, जो कानून रद्द किए जा। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, मेरा नाम अमरजीत सिंह है, तो मैं फवाड़े का रहने वाला। थैंक यू जी। ਇਹ ਸਰ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨ ਡੇਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਵਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨ ਆ ਇਹ ਡੇਲੀ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਾਲੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 310 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਣੀ ਸਿਰਕਦੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 8:30 ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਵਰਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਨਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੈਨਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁੰਜਿਆਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਕੰਡੇ ਹਨ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ, 100% ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਕਲਾਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਹੋ ਫਗਵਾੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸੁਣ ਸਕਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣ। ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਵਰੀਵਨ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਉਗਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਆਈ ਫੀਲ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਡਿਸਫੇਮਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਰਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਵਰੀਵਨ ਟੂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨ ਅਸ ਆਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਔਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਿਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਊਡ ਹੇਅਰ, ਨੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਊਡ ਹੇਅਰ, ਨੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਊਡ ਹੇਅਰ, ਓਨਲੀ ਕਿਸਾਨ, ਵੀ ਸਪੋਰਟ, ਵੀ ਸਪੋਰਟ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਓਨਲੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ।
देख लो जी देख लो ये चौपाटी का नजारा है तुहाडे सामने चारों पासे कैमरा घूम रहा है लाइव तस्वीरें ने तुहाडे सामने डेली चेन बनती है आज भी बनी हुई है अज सिर्फ फर्क करना है कि इत्थे कैंडल मार्च भी नाल निकलिया है और झंडे बैनर हर एक दे हक च है और जमीर सारियां दी जागी हुई है और जागी जमीर लैके अपना अंदोलन कर रहे ने सारे जने नौजवान भी शामिल ने लेडीज भी शामिल ने हर वर्ग का लोग शामिल है इत्थे इन्होंने सपोर्ट फार्मर्स के भी बैनर्स फड़े हुए ने डू नॉट फेथ ऑन आज तक न्यूज 18 इंडिया रिपब्लिक सॉरी हर एक बैनर अपनी गल अलग रूप दे विच कह रहे हैं देख लो जमीरा जागिया वाले इत्थे पहुंच सकते ने जिदी भी जमीर जाग चुकी है वो इत्थे पहुंच सकता है हाँ जी सत श्री अकाल भाई जी नो फार्मर नो फूड एक बार अपना संदेश जरूर दियो संदेश तो यही है जी देखो भगत सिंह होना ने अपनी अपनी जाना देती इस देश वास्ते ये हुण साडी सरकार जिहड़ी आ इह इसे देश नूं बर्बाद करन ते होई आ ते आपां तां इही कहांगे असीं जो असीं किसानां दे नाल आ जो कर रहे असीं उहनां दी हर तरहां सपोर्ट करदे आ ते चाहे साडा काम जो मर्जी होवे पर असीं किसानां दे नाल आ और असीं अज दा लाइव इत्थे ही खत्म करदे आ इह लाइव तस्वीरां दे नाल इह तस्वीरां हाली इत्थे 8:30 तक बनियां होईयां ने जिन्ने भी शहर वासी वध तों वध इत्थे नाल आ के जुड़ सकदे ने जरूर जुड़ो ये अज की तस्वीर के नाल तुहानूं असीं छड़ रहे ने इत्थे ये ह्यूमन चेन वड्डी हुंदी जाएगी जद तक 8:30 नहीं बजदे असीं यही कहांगे कि वध तों वध लोकी इस ह्यूमन चेन का हिस्सा बनन और जुड़न 8:30 तक का टाइम है तुहाडे को 8:30 तक ये ह्यूमन चेन बनी रहेगी और वध तों वध लोकी आके इत्थे जुड़न सारे शहर वासियों नूं असीं लगातार अपील कर रहे हैं अपने लाइव द्वारा हाँ जी सत श्री अकाल भाई जी हाँ जी अज दे महत्व समझाओ इत्थे खड़े होण दा तुसीं आए हो इत्थे ह्यूमन चेन दा हिस्सा बने हो हाँ जी हाँ जी अपनी सोच जाहिर करो शहर वासी ताकि तुहाडे कोल प्रेरणा लै के बाकी भी जिहड़े इत्थे आ सकन जिहड़े इत्थे अपने घरां च बैठे हाँ जी सारे टाइम कढ के आओ जी सारिआं दा सांझा योगदान है मतलब अंदोलन आ सारिआं नूं आउणा चाहीदा हाँ जी हाँ जी सारिआं नूं आना चाहिए वधिया गल आ मोदी जो कुछ कर रहा है जी सरकारां गलत कर दियां पईआं जी किसान बैठे आ उत्थे गलत हो रहा जी किसानां दे नाल वधिया गल आ जी सारे जणे इत्थे आ के सारे जणे अपना इत्थे हक आ के लो सारे जणे मतलब कि सारे आना चाहिए मतलब सारे रोटी खाते हैं मतलब आना तो सारे का फर्ज मानता होना जी चाहिए असं तो यही कहने भी सारे कट्ठे हो सत श्रीकाल जी बस गल यही है भी अज असी सवेर तो पहला कैंप लाया सीगा भगत सिंह जी की याद में तो हम कैंडल मार्च करन जा रहे हैं हाँ जी बस गल तो यही है कि जेडे काले कानून ये लैके आया नरेंद्र मोदी उन्होंने वापस नहीं लै रहा लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है ये वालों एक पासे का कहा जा रहा कि सब तो वड्डी डेमोक्रेसी कंट्री है साड़ी पर उसके बावजूद भी ये इन्ने लोग इन्ने लंबे समय तो संघर्ष कर रहे हैं तो उन्होंने वाल ध्यान नहीं दिता जा रहा ये वालों बहुत सब तो मोस्ट करप्ट प्राइम मिनिस्टर ही आया साढ़े को जिन्हें सारा मुल्क बेच दिता और इतने साडा लोकल एम पी आ उस तो भी ज़्यादा इतों का केंद्रीय राज मंत्री बनया उन्होंने है ही कोई नहीं आ इतों किलोमीटर दूरी पर बैठा जाके वो रोज़ लंघता पर उन्होंने यह नहीं पता कि मैं एक बार तो उत्तर गल रखा अपनी जाके कि मैं जिस हल्के की नुमाइंदगी करता पंजाब का यह हाल होया पाया कि तुहानू घर लोग घर नहीं वड़न देंदे तुहाडा हरेक तरीके ना बहिष्कार हो गया फिर भी तुसीं पता नहीं कि अपनी फोकी जिद नूं पए होए आ हाँ जी असीं सब तो ज़्यादा
अज असी इत्थे कैंडल मार्च कढ़िया है ते नाल ही असी अज मोदी सरकार का विरोध करते हाँ कि काले कानून वापस लवे पर देख लो हले तक नहीं मार रहा। लोग बेचारे पूरी सर्दियाँ उन्होंने कट लिया फिर भी उन्होंने अज तक काले कानून वापस नहीं ले। असी उन्हों का हर रोज़ विरोध करांगे जब तक वो काले कानून नहीं वापस लेंदे। असी इदे केंद्र सरकार का विरोध करते रहांगे ते अपने काले कानूनों वापस लैन लई उन्हां नूं मनाना पवे मनावांगे। थैंक यू जी। लाइव तस्वीरां तुहाडे सामने चल रहीआं ने। सपोर्ट है जी अभी सारे अपना अपना टाइम कट के छोटे होन या वे होते इतने आ रहे हैं। मकसद से तो आई है कि लोगों को विजिबिलिटी मिले सारे देख सू इतने खड़े व्डे छोटे तो इंस्पीरेशन लैन जो इंस्पायर हो सकते तो इतने आन तो रोज़ खड़न भावें 5 मिनट खड़न भावें 50 मिनट खड़न खड़ना बहुत है जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। बिल्कुल साड़ी फैमिली तो असी सारे सपोर्ट करते हैं फार्मर्स नू क्योंकि सानू पता कि उन्होंने नाल बहुत गलत हो रहा। आई थिंक जिन्हें हेजिटेशन आ वो करो सिर्फ ये सोचते हैं कि असी घर बैठे रहेंगे तो साडे नाल वो बिलोंग नहीं करते इदा नहीं आ। जे तुसी आने वाले फ्यूचर च देखना चाहते हो कि सानू हर चीज़ सही कीमत पर मिले तो सानू फार्मर्स नू सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू। और ये ह्यूमन चेन डेली बनती है इतने कि तुम शहर वासियों को अपील करोगे कि डेली इतने आन 7 to 8। डेफिनेटली जो ज़्यादा जिन्होंने जागरूकता हैगी है जिन्हों पता कि इतने की हो रहा वो तो आ ही रहे हैं बेटे बट कई लोग इदा ने जो इग्नोर करते हैं। मैं चाहनी हूँ कि वो इग्नोरेंस छोड़ के इतने जरूर आन चाहे थोड़ी देर लिए आन ताकि एटलीस्ट फार्मर्स को भी पता चले कि उन्हों की सपोर्ट से किन्ने लोग खड़े हैं क्योंकि करे बैठ के कोई सपोर्ट नहीं होंगी। तुसी जे आके आवाज़ नहीं उठाओगे तो कोई सपोर्ट नहीं मिलनी। तुसी ये कह रहे हो कि अंदोलन नू बल देना चाहिए हर एक वर्ग नू जिहड़ी किसानां नू मुश्किल आई है उहदे नाल जुड़ना चाहिए आ। और ये जिहड़ी मुश्किल असल च किसानां नू नहीं आई एक्चुअली हर एक वर्ग नू आ रही है हर एक वर्ग इस तो प्रभावित होया। एग्जैक्टली हर एक कैटेगरी का बंदा चाहे वह अमीर है या गरीब आ या कोई भी चीज़ आ जे कॉरपोरेट लोग इस मार्केट च आ गए वो आन लेकिन वो मंडी विच आके खरीदन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो मंडी तो बाहर खरीदेंगे तो एक कॉम्पीटिशन क्रिएट कर देंगे। असी जे गवर्नमेंट अपनी मंडीज़ नू नहीं बचा सकती तो आई डोंट थिंक सो वो किसी भी चीज़ नू बचा सकती है। सो आई थिंक उन्होंने फार्मर्स नू हर एक बंदे नू फार्मर्स नू सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू मैम। अपना नाम और पहचान जरूर दसो दर्शकों नू ताकि तुहाडे तो प्रेरणा लै सकां। मैं प्रवलीन कौर हाँ। मैं उदा प्रोफेशन च कंसल्टेंट हाँ बट मैं हजे थोड़े टाइम लिए ब्रेक लेती हुई अपनी बच्ची लिए बट मैं लगता कि हर प्रोफेशन का बंदा चाहे वो डॉक्टर हो इंजीनियर हो या कोई शॉपकीपर है या बिजनेस परसन है वो आके जे खड़े होंगे तो सारे नु पता लगेगा कि हाँ हर एक नॉलेजेबल बंदा इतने किसान नु सपोर्ट करता। मैम फिजिशियन कंसल्टेंट मैं SAP कंसल्ट एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हाँ। थैंक यू। ओके सो नाइस टू यू। तुसी देख सकते हो एक पढ़िया लिखा तबका नाल जुड़ चुका है इस अंदोलन दे जिहड़ा इस अंदोलन दे पूरी समझ रखता है लॉस नू चंगी तरह पढ़ना जानता है उत्ते एनालिसिस करना जानता है उदा किंतु परंतु करना जानता है और हर एक पक्ष नू सोचन तो बाद वो नाल खड़ा है किसानां दे नाल। तो सर सो ये सी अज दीआं लाइव तस्वीरां साडियां चौपाटी हरगोबिंद नगर फगवाड़ा तो फिर मिलांगे एक नवे लाइव दे नाल तुहाडे नाल।